हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रिकल गुरु। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि सीरीज बोर्ड का वायरिंग कैसे किया जाता है एक 5-पिन सॉकेट और एक होल्डर से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस बोर्ड को घुमा लिया, उसके बाद फर्स्ट में मेरा 5-पिन सॉकेट हो गया, उसके बाद एक होल्डर हो गया। तो मैंने एक रेड कलर का वायर सबसे पहले लिया है, उसको मैं होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल में अच्छी तरह से लगा करके स्ट्रॉन्ग कस लेंगे स्क्रू ड्राइवर के सहारे, और उस केबल को सीधा मैंने लेकर के चले जाएंगे जो मेरा 5-पिन सॉकेट है उसके कोई भी टर्मिनल में, न्यूट्रल टर्मिनल या फेस, क्योंकि हम सीरीज बोर्ड बना रहे हैं, न्यूट्रल फेस से इसका कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे 5-पिन के टर्मिनल में कस दिया हूँ स्क्रू ड्राइवर के सहारे, और उसके बाद मैं एक और केबल लूँगा, उसको मैंने 5-पिन के जो बचा हुआ एक टर्मिनल है उसमें लगा करके स्क्रू ड्राइवर के सहारे कस लेंगे, जो ये मेरा इस बोर्ड का फेज होगा, सीरीज बोर्ड का इस फेज वायर होगा। और उसके बाद मैं एक ब्लैक कलर का वायर लूँगा जो मैंने होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल में लगा करके अच्छी तरह से कस लिया हूँ, जो इस बोर्ड का न्यूट्रल वायर होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस बोर्ड को अच्छी तरह से जो दोनों स्क्रू है उसे मैंने कस ले रहा हूँ, और कसने के बाद मैं इस बोर्ड को चेक भी करना है, तो उसके लिए मैं एक 2-पिन लिया हूँ जिसमें 2 केबल जोड़ूँगा, और एक बल्ब मैं लूँगा जो मेरे पास नाइट बल्ब है। आपके पास कोई भी बल्ब हो, रेड बल्ब अच्छा होगा चेक करने के लिए सीरीज बोर्ड से। तो ये मेरा 2-पिन है, इसमें जो 2 केबल सबसे पहले मैं जोड़ूंगा। 2 केबल जोड़ने के लिए मैं इसे खोल दिया हूँ, तो मैंने फ्रेंड्स दोनों केबल को अच्छी तरह से जोड़ लेंगे ताकि आपस में कोई दिक्कत ना हो, दोनों केबल सटना नहीं चाहिए। तो मैंने एक केबल कस लिया है, दूसरा केबल को मैंने अच्छी तरह से लगा करके कस ले रहा हूँ, और टाइट कसना है। उसके बाद देखिए, ये मेरा तैयार हो गया, और दिया हुआ जो कवर है उस कवर को मैं लगा करके अच्छी तरह से कस लेंगे, जो एक नोट बोल्ट दिया है उस नोट बोल्ट के सहारे। फ्रेंड्स, उसके बाद चेक करना है, तो मैंने इसे अच्छी तरह से कस लिया। उसके बाद मैं इस पोर्ट में सबसे पहले सप्लाई दे रहा हूँ, सप्लाई मैंने दे दिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लाइट आ रहा है उसको मैं टेस्टर से चेक कर रहा हूँ, तो देखिए मेरा सप्लाई आ रहा है। और उसके बाद इस स्विच बोर्ड से कैसे चेक किया जाता है, देखिए मैंने इस को 2-पिन में 2 केबल जोड़ लिया है, और इसको दोनों में आपस में स्पार्क करूंगा तो जलेगा, तो मेरा बोर्ड बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बल्ब जल रहा है, स्पार्क करने पर बल्ब ग्लो कर रहा है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि मेरा बोर्ड सीरीज बोर्ड बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि इलेक्ट्रिक संबंधित सभी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।